into it. Kyle. सर बाहर है ये चेकिंग है किस बात की चेकिंग सर कंप्लेन नहीं है चेकिंग है शुक्ला यादव अंदर जाइए आप चलिए बाहर आइए आप बहस ना कीजिए आप बाहर आइए आप बड़ी आप बाहर आइए क्या हो गया सर चेकिंग कर रहे हैं काम कर रहे सर ये शराब तो बोतल पार्टी तो होती है सर क्या है ये सब ये नॉर्मल है हर हॉस्टल की तमन्ना मिल जाएगा आपको आप हमें सिखाओगे अभी क्या नॉर्मल है क्या नहीं है ये तो नॉर्मल है वाओ नॉर्मल है ये सब क्या मैटर क्या है किसने कंप्लेन करी क्या सर तीन कार्ड्स आए थे आपके यहाँ पे मिला है अंदर से वाह ये भी अभी नॉर्मल है आपके लिए सर ये किसी और का होगा सर ये तुम्हारे रूम किसी और सामान तुम्हारे रूम पे सर ये कल पता है कितना शोर कर रहे थे तुम लोग सर आप हमें ना समझाए आप सीधा ये डिसिप्लिनरी कमिटी में जाएगा हॉस्टल प्रेमिसेस पर अलाउड नहीं है बिल्कुल भी ये जेन्युइनली मेरा ये आप खुद से बहस ना कीजिए ये सीधा डिसिप्लिनरी कमिटी में जाएगा सर ये जेन्युइनली नहीं है सर मेरा यहाँ भी देख लो कहाँ पे हो हे अरे भाई कैसे हो बस 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 कैसे हो बताओ कैसे चल रहा है बहुत दिन बाद यार बस कहाँ घूम फिर रहे हो आजकल कंसल्टेंट साहब क्या बताओ लास्ट वन ईयर वाज अ ड्रीम कम सोच सकते हो जो बंदा कभी यूपीएससी से बाहर नहीं निकला वो चार महीने लंदन घूम के आ रहा है सही है भाई इधर तो तुम ही कर रहे हो बकिंगम पैलेस में वो सिर्फ मेरे बेडरूम पे टू माय नेटफ्लिक्स अकाउंट तो अभी भी ओनली नेटफ्लिक्स एंड यू लड़की वड़की के ऊपर अरे यार सुन तो देख ले ये मेरा कॉन्टैक्ट लिस्ट सब जे माय बिलवड बॉस सब पता है बेटा कहां क्या रखा है ना सर ये आप भी छोड़िए अरे यार तुम दोनों को इतनी देर बाद मिल रहा हूँ मतलब ये मोमेंट का बहुत वेट किया था मैंने साथ में तो मतलब अच्छा लग रहा है तो ये मोमेंट कुछ भी नहीं मत ठीक है बातें करो भाई दिस इज रियली हैपनिंग तीनों हैं यहाँ पे एंजॉय दिस मोमेंट वेट आर यू फाइन हाउ डिड दिस हैपन से समथिंग कुछ तो बोलो टॉक टू विशाखा आई हैव बीन कॉट रेड हैंडेड हॉस्टल के हर कमरे में वीड फूंकते हैं लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं एंड बाय द हेल ओनली मी बट हाउ डिड दिस हैपन यार सारी गलती मेरी है ये कल कल पार्टी ही नहीं होनी चाहिए सब पता नहीं कौन कौन लोग आ गए लुक एट मी प्लीज ओवरथिंक मत कर इस बात को एवरीथिंग विल बी फाइन क्या फाइन यार कल को मैं डीबार हो गया कल कुछ कुछ उल्टा उल्टा सीधा फैसला आ गया मेरे लिए डू यू थिंक दैट थिंग विल बी फाइन फॉर यू व्हाई यू थिंक यू हैव टू वॉच अगेन काम डाउन विल यू यार सब यू टेल व्हाट शुड आई डू एट दिस पॉइंट क्या हो मीटिंग में कुछ बताओगे कुछ सुनने को रेडी नहीं है वो लोग यार आई थिंक आई बीन डिपार्ट ऐसा नहीं मैंने कुछ समझाया नहीं उन्हें Finished, yeah. इसे मत बोल वी फिगर समथिंग आउट य
यार मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी ऐसा करेगी। यार एकदम से सब कुछ कैसे हो गया? एकदम से नहीं हुआ सेट, फर्स्ट ईयर से चलता आ रहा है। हर एक दिन समझाया तुझे ये सब छोड़ने के लिए। यार ऐसा नहीं कि मैंने कोशिश नहीं करी, मैंने तुम जानती हो ना कितना कम हो गया है मेरा। कम करना और कम्प्लीटली छोड़ना बहुत अलग चीज़ है। अगर छोड़ दिया होता तो यहाँ पे होते क्या हम? बता मेरे को विशाखा, आई नीड यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तुम समझ रही हो ना तुम मुझे ब्लेम क्यों कर रही हो? मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ सिर्फ, मैं खुद को ब्लेम कर रही हूँ। व्हाई डिड आई गेट इनटू ऑल ऑफ दिस? आई शुड हैव नेवर स्टार्टेड दिस व्हेन आई न्यू यू आर नेवर गोना चेंज। सो व्हाट डू यू वांट? आई डोंट थिंक दिस इज वर्किंग, आई डोंट थिंक वी आर राइट फॉर ईच अदर एनीमोर। यार कहा था यार एक साल से, फोन नंबर भी चेंज कर लिया, कांटेक्ट भी नहीं किया। गलत बात है। सही बोल रहे हैं भाई, हम दोनों की बात हो जाती थी, बट जो काम करने वाला फैक्टर था ना वाली बात का वही मिसिंग है यार। बस पूछ मत यार, सिंस डे से भी काम करता था ना, दैट टू फॉर समथिंग फॉर व्हिच आई एम नॉट एक्साइटेड एट ऑल। फिन का बंदा यार आईटी में काम कर रहा है और साला ऐसा स्टार्टअप है ना जो कभी भी ठग हो सकता है। जस्ट इमेजिन अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट सॉल्विंग अ वेबसाइट ग्लिच फॉर अ कंपनी। मतलब यार फ्रस्ट्रेट हो गया था मैं, क्या बताऊँ कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा, सोशल मीडिया ऑफ कर दिया, जो भी था सब खत्म कर दिया। चलो भूलो यार, कुछ और बात करो। ठीक है यार, एक्साइटमेंट तो अपनी जगह है यार। मतलब मेरे को भी कोई इतनी खुशी नहीं मिलती है जॉब करके, पैसों से मतलब है एट द एंड ऑफ द डे। और क्या भाई, संडे का वेट करता हूँ, जॉब तो चली है फिर भी वेट करता हूँ संडे का, वो भी अब बहुत जल्दी खत्म हो जाता है यार। बहुत हो गया इन्होंने, बस आज सिर्फ मजा करना है, बस पहले दिनों की तरह दिखाता हूँ क्या लाए। अरे वाह, बढ़िया भाई बढ़िया। और कौन पैक बनाएगा इसे? बोले सिली बनाएगा, और क्या बना भाई यार उसे, ये तो जमाना हो गया, तुझे ही बनाना है यार। देखो कॉलेज की बात अलग थी यार, वो टाइम अलग था यार, अभी कहाँ पे होता है। फिर सेंटी मार रहा है। अरे सौरभ को ये कर वो कर, यानी क्या कौन सोच सकते यार, रैंक 270 रैंक 4 को इंस्ट्रक्ट कर। अच्छा तो भाई जिम में भी कर लेते हैं, अच्छी जॉब लग जाती है यार। ये सब जिम सब बकवास है यार, सब लगता है भाई। एक मोमेंट आपका करियर यहाँ से वहाँ, आपकी जिंदगी उथल पुथल, एक मोमेंट चाहिए भाई, सब ऐसे नहीं ऊपर वाला सब कर देता है यार। सिर्फ छोड़ ना, एक साल हो चुका है यार, तो कभी भी स्विच मार सकता है यार। स्विच मारना इतना आसान नहीं है भाई, अभी भी दिमाग में ना वो सब बातें चलती है, घूमती रहती है भाई। अगर सस्पेंड ना हुआ होता ना मैं, तो अब तक एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा होता मैं, डे 0 डे 1 पे प्लेस हुआ होता भाई, अभी मैं पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गया होता।
बट छोड़ो यार वो सब हो गया, होती है चीजें बदलती है भाई, हमेशा प्लान के हिसाब से नहीं चलती ना। मुझे देख क्या था मैं यहाँ पर जब इस कैंपस में, और अभी देखा मैं डिफरेंट पर्सन हूँ, वो बात तो है भाई। यार क्या हो गया, आ रहा हूँ 2 मिनट दे भाई, 2 मिनट दे, आ रहा हूँ आ रहा हूँ, अभी इम्पोर्टेंट काम कर रहा था भाई, आ रहा हूँ, चलो बाय बाय बाय। बहनों शक्ल देख रहा अपनी क्या हालत बना रखी है, कितना फूकेगा और लेके जा रहा हूँ, ये कल करते हैं हिसाब से, चल बाय। Take that risk. I don't think मेरे में यार
like मेरे फैमिली में पूरे स्टेट में बात करती थी एंड एट दिस टाइम आई डोंट थिंक इट्स राइट टू बी सेल्फिश आई थिंक दे डिजर्व द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई शुडन्ट एक्ट सेल्फिश नाउ मेबी 5-10 इयर्स डाउन द लाइन व्हेन आई एम स्टेबल एनफ आई विल मेक मिस्टर मूर्ति प्राउड दैट आई विल थैंक यू थैंक यू Really focused, you know. I had planned that. When your legs don't work like they used to before And I can't sweep you off of your feet Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you Till we're 70 Baby, my heart could still feel less hard at 23 And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways Maybe just the touch of a hand Well, me, I fall in love with you every single So honey, now Take me into your loving arms यार मैंने बात बता वो पार्टी के अगले दिन लड़की को निकली थी